खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त श्रीनगर में हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे नहीं चाहो, आगे मत चाहो। केबल को कोई छेड़ रहा है यार, पीछे यार। अरे नहीं देगा यार, कहां से देगा भाई? कैमरा नहीं बंद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आपने देखा, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे श्रीनगर। पूरा देश भारत माता के इन वीर सपूतों को याद कर रहा है। डे मोबाइल तो डिस्टर्ब, मोबाइल जेब में रखा। केबल को पकड़ दुखा लिया, केबल को पकड़।
तो वीर जवान अमर रहे के नारे वहां पर बुलंद किए जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं तिरंगे में लिपटा ये शहीदों का पार्थिव शरीर, 40 अमर बलिदानी। तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। ये श्रीनगर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पहले वहां श्रद्धांजलि दी उन्हें, उसके बाद जो पार्थिव शरीर है इन वीर जवानों का वहां से रवाना किया जा रहा है। हर आंख नम है लेकिन दिल में गुस्सा है, आक्रोश है और इंतजार इसी बात को लेकर कि आखिर कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में श्रद्धांजलि दी गई, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो मौन रहकर इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीधे आपको लिए चलते हैं आसिफ कुरैशी के पास, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब पार्थिव शरीर इन वीर जवानों का वहां से रवाना किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये वो जवान हैं जिनकी पहचान हो पाई है और इनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। इन सभी को अब इनके पैतृक निवास की तरफ रवाना किया जाएगा और इसके लिए एक वायुसेना का एक हरक्यूलिस विमान बिल्कुल तैयार खड़ा है जिसको इस्तेमाल करके इन सभी को इन शवों को वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे दुखद बात इस पूरे हमले की है कि कुछ जवानों की आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो पाई है, इसीलिए उनके शवों को उनके परिजनों के पास नहीं भेजा जा रहा है। इसके लिए अब विभिन्न तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग भी की जा सकती है, क्योंकि जितना बड़ा ये धमाका था, जिस तीव्रता का ये धमाका था, उससे ना सिर्फ उन बसों को काफी क्षति पहुंची बल्कि जो शव है उनको भी काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते कुछ शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और जिन शवों की पहचान हुई है उन शवों को उनके परिजनों को भेजा जा रहा है। श्रीनगर के सीआरपीएफ के रेजिमेंटल हेडक्वार्टर जो कि हुमामा स्थित है वहां पर इस समय ये श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके बाद इन शवों को इनके परिजनों के पास भेजा जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी आसिफ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर आंख नम है, पूरा देश इस वक्त इन वीर जवानों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन गुस्सा भी है, आक्रोश भी है जिस तरीके से हमारे ये जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इस आतंकवादी घटना को लेकर देश उबल रहा है और हर तरफ से यही मांग हो रही है कि पाकिस्तान से बदला लो सरकार। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर की तस्वीर है जहां पर श्रद्धांजलि दी गई इन वीर जवानों को। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहां पर पहुंचे हैं, मौन रहकर पहले वहां श्रद्धांजलि दी गई और अब कुछ पार्थिव शरीर इन वीर जवानों के वहां से रवाना किए जा रहे हैं। आसिफ, जरा ये बताइए, जिन जवानों के पार्थिव शरीर की पहचान हो गई है, उनके शरीर तो वहां से पार्थिव शरीर तो रवाना किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, क्या डीएनए परीक्षण होगा उनका अब आगे? बिल्कुल, देखिए सारी साइंटिफिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके उन जवानों की पहचान की जाएगी। पहले तो फिजिकली अगर कोई निशानी मिलती है जिसका इस्तेमाल करके इन जवानों की पहचान होगी, अगर नहीं हो पाया तो डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया से ही इनकी पहचान की जाएगी, क्योंकि कुछ जवानों के शव बड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं इस धमाके में, क्योंकि कोई अंदाजा लगा सकता है कि 300 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल करके इस फिराई हमले को अंजाम दिया गया, जिसके कारण जो गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए और सुरक्षा बलों की 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसके और इस धमाके में जिस बड़ी संख्या में जवान हताहत हुए, सीआरपीएफ के जवानों ने और जो आर्मी और पुलिस के जवानों ने काफी मेहनत करते हुए 36 जो कम से कम जवान है उनके शवों की पहचान कर ली है, जबकि बाकी शवों की पहचान जो कि सीआरपीएफ के मुताबिक 5 शव ऐसे हैं उनकी पहचान की जाएगी। जी जी आसिफ, आप ये बता रहे हैं कि 36 जवानों के पार्थिव शरीर की पहचान कर ली गई है। जी बिल्कुल, जो हमारे पास सूची सीआरपीएफ की तरफ से भेजी गई है उसमें
36 ऐसे जवानों के नाम है जिनकी पहचान हुई है, जिनके शवों को उनके परिजनों को भेजा जा रहा है, जबकि 5 शवों के बारे में कम से कम ये बताया जा रहा है कि उनकी पहचान में दिक्कत हो रही है, जिसके लिए जो साइंटिफिक प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करके उनकी पहचान की जाएगी और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि इन शवों को भी इनके परिजनों को सौंपा जा सके। जी आसिफ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल 36 जवानों के पार्थिव शरीर की पहचान कर ली गई है, ऐसे में उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर वालों को भेजा जाएगा, बाकियों के लिए डीएनए की पहचान होगी। एक बहुत बड़ा प्रहार है, आतंकवादी चाहे वो देश के अंदर पनाह ले हुए चाहे वो देश की सीमाओं से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एक भी आतंकवादी वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। और खास करके हाफिज सईद और अजहर मशहूर, वो तो जहां पर भी हैं उनको जिंदा या मुर्दा या तो भारत लाना चाहिए या उनको ओसामा बिन लादेन की तरफ ही दफन करना चाहिए। ये भारत को कदम उठाना ही पड़ेगा। और पाक अधिकृत कश्मीर में जितने आतंकवादी शिविर चल रहे हैं पहले उनको ध्वस्त करो और यदि हो सके तो पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय कर लो। इसके बिना पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, वह एक बहुत ही नादान, बहुत ही मूर्ख, अपरिपक्व और एक जाहिल देश की तरह आचरण कर रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री को अब एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा एक्शन के द्वारा, क्योंकि हमने बहुत बार कहा है कि हम शहीदों की शहादत का बदला लेंगे, जुबानी जंग तो बहुत हो गई, अब जुबानी हिसाब किताब से बात बनेगी नहीं, बड़ा एक्शन देश के प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा और सारे देश के लोगों को प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की बात। क्या फिर से भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो छीन लिया है? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक ये तो ऊपर करो, अब ज्यादा नहीं उससे आगे बढ़ना, सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर के पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना पड़ेगा और पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में अब विलय करने का वक्त आ गया। और हमें परमाणु हमले से डरने की जरूरत नहीं, यदि पाकिस्तान के पास एक परमाणु बम है तो उसके जवाब में हमारे पास 10 परमाणु बम है। और परमाणु बम का मसला नहीं आई, ये आखिर भारत के साहस, वीरता और भारत की आजादी को बचाने का मसला है। इसमें हम हर बात में ये डरते रहे कि कल को परमाणु हमला हो जाएगा और लड़ाई हुई तो हजारों करोड़ रुपए देश को आर्थिक नुकसान हो जाएगा, जो भी नुकसान हो अब एक बार आर पार हो जाना चाहिए। सर आपको नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा बल्कि बड़े एक्शन की जरूरत है और प्रधानमंत्री को इस दिशा में सोचना चाहिए, यह अपील की है बाबा रामदेव ने। उनका यह कहना कि पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे जो दहशतगर्द हैं उनका अंजाम भी बिन लादेन की तरह हो, और जो भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर में उन्हें तहस नहस करने की जरूरत है, यह कहा स्वामी रामदेव ने। और एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए भारत मां के इन वीर जवानों को, सीआरपीएफ के ये जवान 40 जवान जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनकी शहादत को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। और आप देख सकते हैं जिन जिन की पहचान हो गई है उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज कुमार त्रिपाठी महाराजगंज के, जीतराम भरतपुर राजस्थान के रहने वाले थे, अमित कुमार उत्तर प्रदेश में शामली के रहने वाले थे, विजय कुमार मौर्य यूपी के देवरिया के, कुलविंदर सिंह पंजाब में आनंदपुर साहिब के रहने वाले थे, मानेश्वर बासुमतारी ये असम में बक्सा के रहने वाले थे, जबकि उत्तराखंड के थे मोहन लाल उत्तरकाशी के, बिहार में पटना के संजय कुमार सिन्हा थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, राम वकील उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के रहने वाले थे, नसीर अहमद जम्मू कश्मीर के ही थे राजौरी के, इन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। याद रहेगी इनकी कुर्बानी, पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है।
और एक बार फिर से वो नाम आपके सामने, नितिन शिवाजी राठौड़ महाराष्ट्र के, वीरेंद्र सिंह उधम सिंह नगर उत्तराखंड के, अवधेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश में चंदौली के, रतन कुमार ठाकुर बिहार भागलपुर के, पंकज कुमार त्रिपाठी महाराजगंज उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा जीतराम राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले थे, अमित कुमार यूपी में शामली के रहने वाले थे, विजय कुमार मौर्य यूपी में ही देवरिया के रहने वाले थे, पंजाब के आनंदपुर साहिब के थे कुलविंदर सिंह। तो 36 ऐसे नाम हैं जिनकी पहचान हो गई है, उनके पार्थिव शरीर की पहचान हो गई और उसे अब रवाना किया जा रहा है उनके पैतृक गांव की तरफ, उनके घरों की तरफ, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, डीएनए परीक्षण के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। ये दो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। पहली तस्वीर शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी गई उसकी तस्वीर है, और याद रहेगी कैसे हमें कुर्बानी, वो तमाम नाम आपके सामने। दरअसल एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर हर कोई गमगीन है, हर आंख आज नम है। तिरंगे में लिपटे 40 जवानों के शव, 36 जवानों के शव की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 4 के बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये जब गृहमंत्री पहुंचे थे, आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह हैं और इसके उनके साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका बदला क्या होगा। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है, पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। ये वो जख्म है जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झांसी पहुंचे, उन्होंने वहां से पाकिस्तान को चुनौती दी। उन्होंने साफ लहजे में यह कहा कि हैवानियत का हिसाब होगा, यह नई नीति और नई रीति वाला भारत है, यह पड़ोसी मुल्क भूल गया है। और एबीपी न्यूज भी भारत मां के इन लालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। 40 जवान हमारे शहीद हो गए, इनमें से 36 के पार्थिव शरीर की पहचान कर ली गई है। और खुद राजनाथ सिंह गृहमंत्री यहां पर मौजूद और जवानों के पार्थिव शरीर को वो कंधा देते हुए दिख रहे हैं। राज्यपाल भी जम्मू कश्मीर के इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के बडगाम में श्रद्धांजलि दी गई और अब इन जवानों के पार्थिव शरीर को यहां से रवाना किया जा रहा है उनके घरों की तरफ, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। और ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की गाड़ी भी वहां पर पहुंच चुकी है, जिसमें पार्थिव शरीर इन जवानों के रखे जाएंगे। और राजनाथ सिंह खुद इन जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं उनको कंधा देते हुए नजर आए। तिरंगे में लिपटा उनका शव, हमारे वीर जवानों का, जिन्हें पूरा देश इस वक्त याद कर रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है। गम का माहौल जरूर है, लेकिन दिलों में आक्रोश है, गुस्सा है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरीके से भारत में लगातार दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, बुनियादी सवाल और बड़ा सवाल यही कि आखिर उसका इलाज क्या है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या बदला लेगी सरकार। और एक एक करके तमाम ये पार्थिव शरीर इस गाड़ी में रखे जा रहे हैं। 36 जवानों की शिनाख्त हो चुकी है। दरअसल ये है हमारे जवानों का हौसला, वीर जवान अमर रहे। लगातार वहां पर यह नारा बुलंद किया जा रहा है। और ये वो पहला ताबूत जिसमें हमारा वो वीर जवान, जिसे तिरंगे में लपेट कर ले जाया जा रहा है गाड़ी की तरफ, और खुद राजनाथ सिंह कंधा देते हुए नजर आए। और आसिफ के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, इसी गाड़ी में ये तमाम पार्थिव शरीर रखे जाएंगे और उसके बाद यहां से इन्हें रवाना किया जाएगा उनके घरों की तरफ।
बिल्कुल देखिए, जैसा आप देख सकते हैं कि जो खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इन चौंग को कांदा जैसा इलाकों में बैठे, यहाँ से आप बिल्कुल जो नजदीकी श्रीनगर एयरपोर्ट है यहाँ से टेक्निकल साइड में ले जाएगा जो कि भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है, और वहाँ से ही भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए इन सभी पार्टी चयन को जो है दिल्ली ले जाएगा, जहाँ से उनको उनके अपनी जहाँ पे भी घर है वहाँ पे भेजा जाएगा। फिलहाल जो है 36 शवों की जो पहचान हुई है उन शवों को इस विमान के जरिए दिल्ली में जाएगा, जहां से दिल्ली के बाद उनको विभिन्न जगह पे, क्योंकि विभिन्न राज्यों से ये सारे जवान हैं तो सभी को अलग अलग विमानों के जरिए अपने घरों के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल यहां से जो है 4 शवों के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी पहचान नहीं हुई है, इसीलिए उनकी श्रद्धांजलि नहीं हो सकी। उनकी पहचान के लिए जो है साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा जी। चलिए आसिफ, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें 36 शवों की पहचान हो गई है, उनके पार्थिव शरीर यहां से रवाना किए जा रहे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट लिया ले जाया जाएगा और वहां से फिर दिल्ली रवाना किया जाएगा इनके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद अपने घरों की तरफ इनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा जहां इनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, देश में किस तरीके का गुस्सा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये किसी एक जगह की तस्वीर नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च करते हुए नजर आए। तो वीर जवान अमर रहे, ये नारा बुलंद हुआ बडगाम में, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और पाकिस्तान से बदले की मांग की जा रही है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह साफ कर दिया कि हैवानियत का हिसाब होगा, पड़ोसी मुल्क ये ना भूले कि नई नीति और नई रीति वाला भारत है ये। तो आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, उनका इसका उन्हें एहसास नहीं, ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि सुरक्षा बलों को आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय स्थान स्वरूप की इजाजत दे दी गई है, यानी खुली छूट सुरक्षा बलों को कि आप कार्रवाई करें। तो शहीदों को गृहमंत्री ने जो कंधा दिया उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, और दूसरी तस्वीर देश उबल रहा है, गुस्से में है, आक्रोशित है। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान के पुतले जलाए गए, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो भारत मां के वीर सपूतों को पूरा देश सलाम करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि भारत के उच्चायुक्त को वापस बुलाया गया है पाकिस्तान से, भारतीय उच्चायुक्त को दिल्ली बुलाया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है वापस, अजय बिसारिया को सरकार ने दिल्ली बुलाया है। तो इस खबर के तमाम मायने मतलब है, सीआरपीएफ पर हमले के बाद बातचीत के लिए बुलाया गया है, आज ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस लिया गया और अब यह कार्रवाई भी की गई है। तो उच्चायुक्त अजय बिसारिया से कार्रवाई पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से भारतीय उच्चायुक्त को दिल्ली बुलाया गया है और माना यह जा रहा है कि इसी मामले में उनसे बातचीत की जाएगी। अजय बिसारिया को सरकार ने दिल्ली बुला लिया है, पाकिस्तान में तैनात भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाया जा रहा है, बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया है सीआरपीएफ पर हमले के बाद। आज दिल्ली में सीसीएस की बैठक भी हुई, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, उनमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी था कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था पाकिस्तान को, वो वापस ले लिया गया, और अभी यह बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय उच्चायुक्त को दिल्ली बुलाया गया है। और आशीष सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। आशीष, क्या अपडेट है और आपके पास? देखिए, डिप्लोमेटिक कार्रवाई जो पाकिस्तान के खिलाफ करनी है उसकी शुरुआत फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुला करके स्ट्रांग वर्डेड डीमार्च दे करके किया, और उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय किया है और भारत के जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में अजय बिसारिया, उनको दिल्ली बुलाया गया, संभवतः कल या परसों तक वो दिल्ली आ भी जाएंगे, और यहां आने के बाद उनके कंसल्टेशन से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संभवतः प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी, ये तय करने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत अप्लाई करने वाला और क्या कोई डाउन साइजिंग होनी है। हाई कमिश्नर को बुलाने का मतलब ये भी हुआ कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो पाकिस्तान से वापस लिया जा रहा है, उसके अलावा और क्या कार्रवाई भारत करेगा, उसमें पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त क्या कदम उठाएंगे,
इन कंसल्टेशन के लिए उनको बुलाया गया है, यानी आने वाले दिनों में और निर्णायक फैसले पाकिस्तान पर दबाव बनाने के कूटनीतिक स्तर पर भारत ले सकता है। इस फैसले का क्या मतलब निकाला जाए आशीष, क्या पाकिस्तान को एक सीधे शब्दों में कड़ा संदेश दिया जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखिए इतना बड़ा अटैक है, सीआरपीएफ पर आतंकी हमला है, और जो सीधे जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड, जिसको लेकर के भारत ने अखिलेश ये कहा कि पाकिस्तान सरकार की शह पर ये आतंकी हमला हुआ है, पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह दे रहा है, ऐसे में सारे विकल्प खुले हैं। संभवतः 14 मार्च को होने वाली करतारपुर टॉक्स जो होनी है, जिसको हम लगातार कह रहे हैं, उस टॉक्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। जो डिप्लोमेटिक स्टाफ की स्ट्रेंथ होती है एक दूसरे के देशों में, उसको भी डाउनसाइज किया जा सकता है। तमाम विकल्प हैं जिसको लेकर के चर्चा होनी है, और इसी वजह से अजय बिसारिया को वापस दिल्ली बुलाया गया। शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए। तो अजय बिसारिया जो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त हैं, उन्हें वापस बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी और इस रणनीति पर भी चर्चा होगी कि आगे फिर क्या करना है इस पूरे मामले में। पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत और बहुत ही गहरा जख्म इस बार पाकिस्तान ने दिया है। एक बार फिर से पाकिस्तान की चालबाजी और इस आतंकी हमले ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न भूलेंगे न माफ करेंगे, यह कहना है सीआरपीएफ का, और पूरे देश की यह मांग है कि कड़ी कार्रवाई का यह वक्त है, अब सिर्फ कड़ी निंदा ना हो। राजनीतिक गलियारे से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अगर जानकारी मिलने के बावजूद अगर हम उस तरीके से देख नहीं रहे हैं तो जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में सारी बातें हैं, उनको जिम्मेदार ठहराकर उनकी भी जांच होनी चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं असल में वो भी देखना पड़ेगा। और कर क्या सकते हैं, और कर क्या सकते हैं, शांत रहने के अलावा कर क्या सकते हैं? शांत रहना ये मतलब कोई मर्दानगी नहीं है। ठीक है, सारा पूरा देश शांत ही रहेगा, लेकिन आप क्यों शांत रहे हो, शांत बैठे हो? जाओ, घुस जाओ पाकिस्तान में।